बहुत से बच्चे FAFSC करने के बाद ही सोचना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान में कि हमें बाहर चले जाना चाहिए और हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चले जाना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अंडर ग्रेजुएट लेवल में यहाँ आना अपने तई कुछ प्रोज एंड कॉन्स रखता है। ये ट्रू है कि अगर आप यहाँ से ही एक 4 ईयर डिग्री करेंगे तो आपके जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाएंगे। ये ट्रू है कि यहाँ पर यहाँ से की हुई क्वालिफिकेशन, यहाँ से की हुई स्टडीज़ आर अनमैचेबल जो हमें पाकिस्तान में इस वक्त डिग्रीज और वो ऑफर हो रही हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी नहीं कह सकती कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी उस क्वालिटी की डिग्रीज ऑफर नहीं करी, ऐसा भी नहीं है। वी ऑल नो कि हमारे कौन से फील्ड्स में किस यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट एक अच्छी डिग्री ऑफर करता है, और हमें पता है कि बाकी फील्ड्स में हमारी यूनिवर्सिटीज़ उस लेवल की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ना तो क्वालिफिकेशंस दे रहे हैं, ना नॉलेज दे रहे हैं, ना स्किल दे रहे हैं, ना वो वैल्यूज़ बिल्ड कर पा रहे हैं। अब जब हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें अंडर ग्रेड पे ही चले जाना चाहिए, तो अंडर ग्रेड पे ज़्यादातर ममालिक में आपको स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते हैं। आपको स्कॉलरशिप मिलना शुरू होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर, जिसमें आप अगर MS के लिए आते हैं या अगर आप PhD के लिए आते हैं तो स्कॉलरशिप्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। बहुत कम किसी मुल्क में किसी खास फील्ड में स्कॉलरशिप ऑफर हो सकते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए बैरून मुल्क आना और स्पेसिफिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ में आना विल बी वेरी एक्सपेंसिव। सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि आपको अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एकेडमिक स्ट्रेंथ, नॉट क्वालिफिकेशन, अपनी एकेडमिक स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, क्योंकि जब आप यहाँ के लिए तैयारी करेंगे तो आपको लैंग्वेज स्किल्स भी के भी टेस्ट देने हैं, आपको एकेडमिक प्रोफिशिएंसी के भी टेस्ट देने हैं, आपको अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना है। तो आपको उन तमाम टेस्ट्स की तैयारी करनी होगी, और इस तैयारी को मैं कहती हूँ टू प्रिपेयर योर सेल्फ। इसके साथ साथ आपको ये तयन करना होगा कि हु इज़ गोइंग टू बेयर योर फाइनेंसेस। अगर आप एक ऐसी वेल ऑफ फैमिली से हैं दैट यू और योर पेरेंट्स डू हैव दैट मच मनी इन योर अकाउंट विच यू कैन शो एट द टाइम ऑफ एडमिशंस, और जिससे आप अपनी कम अज़ कम पहले 1 साल की फीस पूरी दे सकें, तो नथिंग लाइक दैट, फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। और आप तैयारी कीजिए, आप अपने आप को एकेडमिकली स्ट्रांग कीजिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली के पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, एंड यू नो इट वेरी वेल कि आपकी फैमिली के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन ये है कि आपका जैसे मैंने कहा कोई स्कॉलरशिप हो जाए, विच इज़ लेस लाइकली इन केस ऑफ अंडर ग्रेड। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके कोई ऐसे रिलेटिव्स जो उस मुल्क में या उसके आसपास कहीं आबाद हैं, वो आपको फंड कर दें ऑन सम टर्म्स एंड कंडीशंस, के आपने बाद में वो पैसे लौटा देने हैं या किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। तीसरा ऑप्शन ये है कि और जब वो आपको वो फंड्स देंगे तो वो बकायदा एक लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप साइन करेंगे, और वो एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होगा जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन दिखाना होगा और एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन भी दिखाना होगा। दूसरा तरीका ये है कि वो आपकी गारंटी दे दें। आपकी गारंटी देने से मुराद ये है कि यू कैन ऑप्ट फॉर बैंक लोन, अ स्टूडेंट लोन फ्रॉम वेयर एवर यू आर इंटेंडिंग टू गेट द डिग्री। तो आपको वो अगर गारंटियर के तौर पे एक लेटर देते हैं, और वो यहाँ के बैंक से लोन की एप्लीकेशन पर भी एज अ गारंटियर साइन करते हैं, तो एक सूरत निकलती है कि फिर आप लोन ले लेंगे। अच्छा, अब लोन लेके ज़िंदगी आसान नहीं होती किसी की, लोन लेके ज़िंदगी मुश्किल होती है। तो
वो बच्चे जो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे कोई चचा, कोई मामू, कोई खाला, कोई फूफो यहाँ पर सेटल्ड हैं और वो हमारी गारंटी देने को तैयार हैं, फिर है ना, आप आ जाइए, आप लोन ले लीजिए। अब जब आपने लोन ले लिया तो एक चीज़ याद रखी है कि लोन इज़ टू बी पेड ऑफ एंड यू विल बी ऑलमोस्ट हैंड टू माउथ। वो लोन आपको आपकी स्टडीज़ को कवर कर रहा है, क्या वो आपके एक्सपेंसेस भी कवर कर रहा है या नहीं, डिपेंड्स। अगर वो आपके एक्सपेंसेस कवर नहीं कर रहा है तो आप वो कैसे मीट करेंगे, यहाँ आके रहना, यहाँ पर काम करना, और फिर लोन लिए हुए बच्चे को बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती कि वो अपने सेमेस्टर्स ड्रॉप करे या वो लो ग्रेड्स ले। तो फिर आपने अगर काम भी किया और स्टडी भी की तो आप अपने ग्रेड्स कैसे मेंटेन कर पाएंगे। फिर एक और चीज़ के क्या आप इस वक्त अगर पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके वालदैन आपको अपनी तमाम जमा पूंजी लगा के यहाँ भेज देते हैं और वो आपका कुछ ना कुछ महाना खर्चा भी उठाते हैं, तो आपको लगता है कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, इस नज़रिए से कि उन्होंने आपको एक अच्छी तालीम दी, उन्होंने आपको घर में सहूलियात दी, उन्होंने आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ देने की कोशिश की, और आपने बाहर आने के चक्कर में ये कहा कि मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी नीचे ले जाऊंगा और मैं वालदैन की तमाम जमा पूंजी भी लगा दूंगा और मैं यहाँ रह के जिस भी मजबूरी में होऊंगा मैं अपना फिर वो लोन भी पूरा करूंगा। ये कैसा फैसला है, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आता कि अगर आप एक ऐसा फैसला ले रहे हैं तो आप क्यों ले रहे हैं जिसमें ना तो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट नज़र आता है, ना मुझे आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर होती हुई नज़र आती है। ये सारी बातें करने के बाद अब मैं जो पॉइंट है मेरा, वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स के पास भी इतने फाइनेंसेस नहीं हैं, आपके पास भी नहीं है, तो माय सजेशन इज़ कि आप अंडर ग्रेड पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से करें, अच्छे डिपार्टमेंट से एक अच्छी डिग्री लें और MS या PhD के लिए बैरून मुल्क जाएं। अब ये मैं क्यों कहती हूँ, ये मैं इसलिए कहती हूँ कि एक तो ये कि आप वो बेसिक नॉलेज और स्किल सेट ले लीजिए, हो सके तो अंडर ग्रेड के साथ साथ कुछ सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन, कुछ ऐसी सर्टिफिकेशंस कर लीजिए जो आपके नॉलेज और स्किल्स को मज़ीद एनहेंस कर दे। अंडर ग्रेड के बाद जब आप MS के लिए और PhD के लिए देख रहे होंगे तो देर आर सो मेनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल, US में भी हैं, कनाडा में भी हैं, UK में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और भी बहुत से ममालिक में, यूरोप में।